नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज समुद्र की गहराइयों में पहुंचे थे। देखिए, द्वारिकाधीश मंदिर जो समुद्र में विलीन हो चुका है अरेबियन सी में, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें जो हैं वो द्वारिका बीच की हैं। द्वारिकाधीश मंदिर भगवान श्री हरि विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। यह मंदिर भारत के गुजरात के गोमती नदी के तट पर द्वारिका में स्थित है। 5 मंजिला इमारत, 72 स्तंभों वाला ये मंदिर जगत मंदिर या निज मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। लेकिन द्वारिकाधीश का वो पुराना महल जो समुद्र में खो चुका, समुद्र के भीतर है, वहाँ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचे हैं। 2200 साल पुराना लगभग ये मंदिर बताया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचे हैं समुद्र की गहराइयों में। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें अपने आप में काफ़ी अहम है। साथ में जो तैराक थे बेहतरीन, वो उनके साथ मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो पूरा जो कॉस्ट्यूम होता है वो पहना है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोरपंख जाके समर्पित किया है समुद्र के भीतर भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री हरि को, श्री हरि विष्णु, जिन्होंने 8वें अवतार में श्री कृष्ण का रूप धारा था, उनकी जाके आज पूजा की है। और समुद्र के भीतर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचे थे, उन्होंने क्या महसूस किया है ये भी आज उन्होंने बताया है। गुजरात में थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई योजनाओं का शिलान्यास किया है, कई योजनाओं का उद्घाटन भी किया है। क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहे थे, तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। समुद्र की गहराइयों में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, इससे पहले काशी विश्वनाथ मंदिर हो या फिर इसी साल लगभग 500 सालों से जो सपना था हमारे देश का राम मंदिर बनाने का, वो राम मंदिर भी अयोध्या में बनकर तैयार हुआ है। जब राष्ट्र को वो समर्पित हुआ था राम मंदिर, उस दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफ़ी बातें कही थी। लेकिन आज जब वे समुद्र की गहराइयों में पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ अलग ही रूप में दिख रहे हैं। क्या कुछ वो कह रहे थे, जरा सुनिए। देव भूमि द्वारिका में भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश के रूप में विराजते हैं। यहां जो कुछ भी होता है वो द्वारिकाधीश की इच्छा से ही होता है। आज सुबह मुझे मंदिर में दर्शन का, पूजन का सौभाग्य मिला। द्वारिका के लिए कहा जाता है कि ये 4 धाम और सप्तपुरी दोनों का हिस्सा है। यहां आदि शंकराचार्य जी ने 4 पीठों में से एक शारदा पीठ की स्थापना की। यहां नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है, रुक्मणी देवी मंदिर है, आस्था के ऐसे अनेक केंद्र है। और मुझे बीते दिनों देश काज करते करते देव काज के निमित्त देश के अनेक तीर्थों की यात्रा का सौभाग्य मिला है। आज द्वारिका धाम में भी उसी दिव्यता को अनुभव कर रहा हूं। आज सुबह ही मुझे ऐसा एक और अनुभव हुआ। मैंने वो पल बिताए जो जीवन भर मेरे साथ रहने वाले हैं। मैंने गहरे समुन्दर के भीतर जाकर प्राचीन द्वारिका जी के दर्शन किए। पुरातत्व के जानकारों ने समंदर में समाई उस द्वारिका के बारे में काफी कुछ लिखा है। हमारे शास्त्रों में भी द्वारिका के बारे में कहा गया है, भविष्यति पुरी रम्या सद्वारा प्रार्ग्य तोरणा चया टला कर केयूरा पृथ्व्याम ककुदोपमा। अर्थात सुंदर द्वारों
और ऊंचे भवनों वाली ये पूरी पृथ्वी पर शिखर जैसी होगी। कहते हैं भगवान विश्वकर्मा ने खुद इस द्वारिका नगरी का निर्माण किया था। द्वारिका नगरी भारत में श्रेष्ठ नगर, उसका आयोजन, उसका विकास का एक उत्तम उदाहरण था। आज जब मैं गहरे समुद्र के भीतर द्वारिका जी के दर्शन कर रहा था तो मैं पुरातन वही भव्यता, वही दिव्यता मनोमन अनुभव कर रहा था। मैंने वहां भगवान श्री कृष्ण को, द्वारिकाधीश को प्रणाम किया, उन्हें नमन किया। मैं अपने साथ मोर पंख भी ले कर गया था, जिसे मैंने प्रभु कृष्ण का स्मरण करते हुए वहां अर्पित किया। मेरे लिए कई वर्षों से, जब मैंने पुरातत्वविदों से ये जाना था तो एक बहुत बड़ी जिज्ञासा थी। मन करता था कभी न कभी समुद्र के भीतर जाऊंगा और उस द्वारिका नगरी के जो भी अवशेष हैं उसे छू करके श्रद्धा भाव से नमन करूंगा। अनेक वर्षों की मेरी वो इच्छा आज पूरी हुई। मेरा मन बहुत गदगद है, मैं भाव विभोर हूं। दशकों तक जो सपना संजोया हो और उसे आज उस पवित्र भूमि को स्पर्श कर करके पूरा हुआ होगा, आप कल्पना कर सकते हैं मेरे भीतर कितना अभूत आनंद होगा। साथियों, 21वीं सदी में भारत के वैभव की तस्वीर भी मेरी आंखों में घूम रही थी और मैं लंबे समय तक अंदर रहा। मैं समुद्र द्वार और आज के यहां देर आई आने में उसका कारण भी मैं अंदर काफी देर रुका रहा। मैं समुद्र द्वारका के उस दर्शन से विकसित भारत के संकल्प को और मजबूत करके आया हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमाम तस्वीरें आपको दिखाई हैं। नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है इस अवसर पर, गुजरात में भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके, श्री हरि विष्णु का जप करके, उनकी पूजा अर्चना करके उन्होंने क्या कहा है आपने सुना है। समुद्र की गहराइयों में पहुंच के भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धा और आस्था में लीन हो गए थे, आपने देखा है। उन तस्वीरों को हमने आप तक पहुंचाया है, स्क्रीन पर आपने देखा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।